आप लोग मुझे देख के समझ ही गए होंगे कि मैं जा रही हूँ घूमने। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ एक मार्केट पे, बहुत ही बड़ा एक मार्केट है इधर, तो उधर जा रही हूँ। तो चलो मेरे साथ। एंड ये है मेरा आज का लुक, मस्त है ना? तो चलो मेरे साथ। बहुत सारे शॉप्स हैं एंड जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ मिल जाता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये मार्केट पे नहीं मिलता है। ये देखो, ये सारा हैंडमेड चीज़ है। एंड ये लेडी ये सब कुछ बनाता है अपने हाथों से। देखो ये सब पालक से बना हुआ सारा इयर रिंग्स भी है। एंड ये सब इतना सुंदर था ना, क्या बताऊँ। एंड ये है ये फ्लावर का शॉप। एंड इतना अच्छा अच्छा फ्लावर का फ्लावर बस एंड फ्लावर का सब कुछ था। ये देखो ये शॉप पूरा कीरिंग का ही है। ये है एक साबुन का दुकान, देखो कितना सारा साबुन एंड अलग अलग फ्लावर की शेप में। एंड इधर परफ्यूम भी मिलता है। एंड देखो ये रहा एक छोटा सा शोपीस का दुकान, कितना सुंदर सुंदर छोटा छोटा शोपीस है। देखो बैंकॉक का स्ट्रीट फूड। एंड ये सब स्ट्रीट फूड क्या आप लोग खा सकते हो? मैं तो नहीं खा सकती बाबा, एकदम कच्चा कच्चा ही सब खिला देता है ये लोग। एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल टाइप का है, सब कुछ का छोटा छोटा दुकान इधर है। एंड इधर भी प्राइस काफी रीजनेबल है। देखो मेरी बेबी को ये डॉल पसंद आ गया। जा रहे घर पे।
गए घर पे एंड आके ही ना मैं अच्छे से नहा ली, क्योंकि अभी का टाइम में बाहर से आके ही नहाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मैं अच्छे से नहा ली एंड मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन ये मार्केट के बारे में देना चाहती थी, तो इसीलिए मैं आई। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, हम लोग यहाँ जहाँ रहते हैं ये नारा दिवास 24 ECFC में हम लोग रहते हैं, इधर से एक घंटा का दूरी में है ये मार्केट, छठ मार्केट। एंड ये मार्केट बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड बहुत ही बड़ा है, जो भी आपको चाहिए ना इसमें आपको मिल जाएगा एंड बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इधर। तो अगर आपको बैंकॉक शॉपिंग करना है ना तो ये मार्केट बेस्ट है एंड बेस्ट क्वालिटी भी है, सब प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है। दुकान इतना अच्छा नहीं है लेकिन प्रोडक्ट इतना अच्छा है ना, बहुत ही ज्यादा सब कुछ अच्छा था एंड सब कुछ बहुत ही रिजनेबल था। जैसे तो मैं क्या क्या शॉपिंग की थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कप का सेट मैंने ली है एंड ये ना हैंडमेड है, सुंदर है ना। ना ये एक जिम करने का ये एक टी शर्ट ले ली, इसका भी प्राइस एकदम ही रीजनेबल था। एंड मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है ये सब इयररिंग्स, ये इयररिंग, ये मैं जो अभी कान पे पहन रखी हूँ ये इयररिंग एंड ये, फिर मैं देखो कितना सारा ले ली, फिर ये सब पता है आप लोगों को कितना में मिला मुझे, ओनली 20 रुपीज, मतलब बैंकॉक का 20 रुपीज हम लोगों का 50 होगा। तो 50 रुपए में कहाँ पे इयररिंग मिलता है भाई, कहीं पे नहीं मिलता। फिर ये भी, ये सब 20 रुपीज का एक शॉप था जिसमें 20 रुपीज का धमाका, मतलब 20 रुपीज में सब कुछ मिल रहा था। लेकिन मैं बहुत कुछ लेना चाहती थी, ले नहीं पा रही थी क्योंकि वो एकदम हम लास्ट में गए एंड मेरा बेबी बहुत ही ज्यादा रोने लगा उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा सा कुछ लेके चली आई। लेकिन मुझे ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एंड ये भी कितना सारा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर क्लेचर भी मुझे मिल गया एंड मेरा बेबी ने ये दो खरीदा। तो ये सब भी हम लोग शॉपिंग किए। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे बताना एंड ये शॉपिंग, ये मार्केट पे आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है एंड ये नाम आप लोग मत भूलना। तो चलो टाटा बाय।